हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर पे हूँ। ये देख सकते हैं, ये मेरा रूम है। और मैं आज किसी काम से नेहरू प्लेस के लिए जा रहा हूँ। और कोई चीज़ है मेरे पास जो रिपेयरिंग के लिए जाना है, क्योंकि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है। और आपको पता है, मैं हाल फिलहाल ही जो है कल गाँव से आया हूँ। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि गाँव में जब गया, ब्लॉक किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरा 3 साल पहले तकरीबन दुकान थी नबी करीम में। उसके बाद मैं 2 साल के लिए सऊदी चला गया, फिर उसके बाद आया। तो उसके बाद जो है, मैं आप लोगों से मुखातिब होने का सोचा। तो दोस्तों, आज जो है मैं मेरे पास जो है ना, तो उसी दुकान का जो है ना, मेरे पास लैपटॉप है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, तो ये दुकान का ही जो है ना लैपटॉप है इसको। ये लैपटॉप है। और इससे ये जो है ना ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। इसका ये बैटरी भी है इसमें, तो ये बैटरी जो है ना मैंने निकाल के रखा हुआ हूँ, क्योंकि लगा लगा बैटरी ख़राब हो जाता है। तो जो है ना, मैंने ये जो बैटरी है इसको निकाल के मैंने रख दिया है। और ये जो है ना दोस्तों, इसको मैं ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें जो हार्ड डिस्क होता है ना, मेमोरी, वो करप्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब दुकान में ही ये ख़राब हो गया था, तो इसको मैं दिखाया था, तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि जो इसका जो जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी, वो ही करप्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, उसके बाद ए सी पड़ा हुआ है। पर अब मुझे जो है ना लग रहा है कि लैपटॉप की जो है ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल में इतना स्पेस होता नहीं है और मुझे वीडियो को डिलीट करना पड़ जाता है। और भी चीज़ों के लिए जो है ना मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों। और बस आप लोगों का जो है ना साथ चाहिए। मैं जो है ना सफ़र और भी जो है आपके लिए लाना चाहता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं रास्ते। यह स्टेशन नेहरू प्लेस है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दिस स्टेशन इज नेहरू प्लेस। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। Please mind the gap between the platform and the train. फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ नेहरू प्लेस मार्केट। देखते हैं, पहले मैं आता था यहाँ पे रिपेयरिंग करवाने के लिए ना, लैपटॉप वगैरह। तो अभी वो दुकान मेरे जहन से निकला हुआ है, बट देखता हूँ कौन सा दुकान है बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ भूल भुलैया टाइप का है। कुछ दुकान मिलता नहीं है। एक बार चले जाओ वहाँ पर, दोबारा फिर जाओगे तो बड़ी मुश्किल मशक्क़त के साथ उसको ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं उस दुकान को, देखते हैं कहाँ पर है, फिर मैं मिलता हूँ वहाँ पे। कोशिश करता हूँ वहाँ पे भी एक्सप्लोर करूँ। देख रहे हैं दोस्तों, शाम के टाइम कितनी भीड़ है। काफ़ी भीड़ होता है शाम के टाइम जो है ना। और मैं दिन में दोपहर में 2-3 बजे तक जो है ना, मैं तो उधर ही बिजी था, थोड़ा काम था मुझे फरीदाबाद का ही। और शाम के टाइम आया हूँ। वैसे शाम के टाइम सही रहता है मार्केटिंग करना वैसे आमतौर पर। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो पहले जो है ना उस दुकान को खोजने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है वो दुकान। दोस्तों फाइनली जो है ना, मैं दुकान पर, दुकान मुझे मिल गई है, जो दुकान पे मैं पहले ऑलरेडी आया हुआ था। ये मेरा लैपटॉप ना ठीक कर रहा है, ठीक हो गया। यानी इसमें जो है ना, यानी बैटरी की दिक्कत थी, जब उन्होंने चेक करा ना सब कुछ ठीक था, बैटरी की दिक्कत थी। बैटरी की दिक्कत थी तो ऑन नहीं हो रहा था, बैटरी ने लगवा दिया है। और इसमें क्या नाम है, विंडो चढ़ रहा है, उसके बाद फिर निकलेंगे। ये दुकान है, इसी दुकान पे मैं आता हूँ हमेशा, जो भी कुछ करना होता है, रिपेयरिंग या फिर कुछ खरीदारी भी करनी होती है, तो मैं यहीं पे आता हूँ। नेहरू प्लेस में ही मार्केट है, तो इसको देखते हैं अभी, थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, उसके बाद चलेंगे। दोस्तों लैपटॉप बना नहीं यार, उसमें जो है ना दिक्कत हो गया, उसमें जो हार्ड डिस्क है ना वो काम नहीं कर रहा। और हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना, वो जो कवर होता है ना वो टूटा हुआ था, टेप चिपका हुआ था पहले, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड वो ऑलरेडी लिया हुआ था। तो वो जो है दिक्कत हो गया। और उसके बाद जो है ना वो यानी बना ही नहीं, ऑन तो हुआ पर वो काफ़ी स्लो था। और काफ़ी स्लो होने के साथ साथ जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता था उसको ऑन होने में, कम से कम आधा घंटा। और ऑन भी होता था तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है ना, फिर वो थोड़ी देर के बाद वो ऑफ़ हो जाता था। तो
तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें, उसको चेक करवाते करवाते मैंने कहा ठीक हो जाएगा, चलो काम चला हो जाएगा, क्योंकि नया तो बहुत महंगा आएगा। तो बहरहाल वो मैंने वापसी ले लिया है और बाहर आ गया हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर का जो है ना नज़ारा है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि अगर कभी मौका मिल गया रात का सीन मैं इधर का लेने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार लग रहा है, अभी भी मार्केट जो है ना काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा मन करता है कुछ ना कुछ ख़रीदे जाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, क्या करेंगे खरीद के। बट मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखूँगा छोटा मोटा चीज़ अगर कोई ख़रीदारी कर सकता हूँ तो करूँगा दोस्तों। ये देख रहे हो दोस्तों काफ़ी टेस्टी लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और बहुत ही काम चल रहा है वहाँ पे जो है ना, बैठा हुआ है बंदा और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, पे फोन से भी पैसा लेता है, ऑनलाइन से भी पैसा लेता है, ऑनलाइन से भी पैसा लेता है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, टेस्टी भी है, टेस्टी भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी बढ़िया, 10 में से 9 नंबर दूंगा इसको, देख सकते हैं जो है ना, रात हो गया है, अब हम लोग जो है ना घर की तरफ जा, लैपटॉप जो है मेरा बना नहीं, उसको जो है ना यहीं पे बेच दिया, बना ही नहीं कुछ, उसमें कुछ बनने का था ही नहीं, बड़े से बड़ा कारीगर हार मन गया, उसको मैंने यहीं पे बेच दिया, चलो कुछ तो आया, बेच दिया मैंने उसे। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं फाइनली जो है ना, और फिर कभी देखूंगा अगर हाथ में कुछ पैसा वैसा हुआ तो फिर मैं लैपटॉप लूँगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना कि इसमें लैपटॉप या फिर एक जो है ना मोबाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक मोबाइल से काम नहीं चलता है, 128 GB जो है ना उसमें स्टोरेज है और बहुत जल्दी उसमें फुल हो जाता है, यानी कुछ वीडियो ऐसे होते हैं और काफ़ी लंबी लंबी वीडियो होते हैं तो स्टोरेज फुल हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि तो ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने जो है ना इसको रिचार्ज किया है पेटीएम से और इसमें जो है ना टॉप अप करना है, देखते हैं चलेगा क्या, ये आ गया है। ये देख सकते हैं 200 का मैंने रिचार्ज किया है, अब इसको जो है ना इसमें शो कर रहा है, इसको वेद करेंगे तो धन्यवाद, इसमें 177 रुपया है, पहले का इसमें कुछ माइनस भी था तो 177 रुपया हो गया है। तो देखा दोस्तों स्मार्ट कार्ड जो ये मेट्रो का है इसको भी हमने रिचार्ज करना आपको दिखा दिया, तो चलते हैं फिर अंदर एंट्री लेते हैं फिर घर की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है दोस्तों स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करना, पेटीएम से आप रिचार्ज कर लो, यहाँ पे आके एक मशीन होता है उस पर आपको टॉप अप करना है तब जाके इसमें आएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आप रिचार्ज करोगे इसमें आ जाएगा, नहीं यहाँ पे मशीन में लगा के आपको टॉप अप भी करना पड़ेगा तब जाके इसमें आएगा और आप फिर सफ़र कर सकते हैं मेट्रो में। तो हम प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आ गए हैं राजा नाहर सिंह यानी बल्लभगढ़ की ओर जाने की तरफ, ये वाला जो मेट्रो है दोस्तों ये वाला ओल्ड फरीदाबाद के लिए था तो हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, फिर दूसरी जो मेट्रो आएगी ना वो राजा नाहर से के लिए आएगी तो उस पर हम लोग जो है ना बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि कोई मेट्रो जो है ना ओल्ड बदरपुर बॉर्डर तक या फिर कोई फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद तक, उसके बाद एक ट्रेन आती है, एक मेट्रो आती है वो बल्लभगढ़ के लिए, तो हम बल्लभगढ़ वाली भी बैठेंगे, इसमें भी फ़र्क होता है। कई बार मैं एक बार बैठ गया था बदरपुर के लिए जहाँ पर मैं उसको रूट वही था तो मैं उस पर बैठ गया, आगे जाके जो है ना उतार सब खाली कर गए, मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर जब तक ऐसा कुछ हो ना ना तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मालूम पड़ा फिर मैं मेट्रो को जो है ना देख के बैठता हूँ कि मेट्रो में क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना मैं बैठ के अब जैसे कि
वो जा रही है, कश्मीरी गेट लिखा हुआ है, कश्मीरी गेट के लिए वो जा रही है। तो मैं हमेशा जो है ना दोस्तों, अब देख के बैठता हूँ तो बल्लभगढ़ या फिर उसके बाद फरीदाबाद ओल्ड वाली पे बैठ जाऊँगा, फिर उसके बाद उतर के वहाँ पे फिर जाना पड़ेगा, दूसरा मेट्रो पकड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है यहीं से पकड़ लो, क्योंकि यही मेट्रो फिर वहाँ पे जाएगी, जो वहाँ पे वेट करेंगे यहीं पे वेट कर लेंगे, आराम से सीट वेट मिल जाएगा, आराम से बैठ के चले जाएंगे। नहीं तो उसमें भी खड़ा होना पड़ेगा, फिर उसको आगे भी खड़ा होना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेट्रो है नेहरू प्लेस। दोस्तों फाइनली जो है ना, मैं नेहरू प्लेस से बल्लभगढ़ आ चुका हूँ, ये जो है मेट्रो स्टेशन, और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है। तो ठीक है दोस्तों, जब तक आप अपना ख्याल रखना, कल फिर से मैं लाऊंगा आपके लिए एक नया व्लॉग, एक नया सफ़र, एक नई कहानी, एक शानदार वीडियो। जब तक आप खुश रहना, अपना ख्याल रखना। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, बाय।